एक बार फिर तो पंजाबियों की जेब के उत्ते हुण भार पवेगा। पंजाबियों की जेब ढिली होवेगी क्योंकि पंजाब सरकार ने सोमवार नूं लोकां दी जेब ते भारू पैण वाले दो अहम फैसले ले ने। पंजाब सरकार ने जिथे अधिकारियां मुलाजमां दे मोबाइल पत्ते दे विच 50% कटौती कर दिती है, उत्थे ही सूबे दे विच वाहनां ते हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नाल लोन ते 2000 रुपए जुर्माना करन दा नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रिंसिपल सैकटरी के शिवा प्रसाद के वालों सोमवार को जारी किए नोटिफिकेशन के मुताबिक हुण सूबे दे विच वाहनां ते हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लाना लाजमी हो गया। जेकर तुसीं अजिहा नहीं करदे ते तुहाडा पहली बार 2000 रुपए का जुर्माना होगा, ते दूसरी बार जेकर फिर तुसीं उलंघना करते हो ते 3000 रुपए तुहानू अपनी जेब दे विचों कढ़ने पैणगे। यह जिहड़े नियम ने यह 1 अक्टूबर 2020 तो लागू होण जा रहे ने। ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਹਨ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ASI ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ A ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਗਰੁੱਪ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 175 ਰੁਪਏ, ਗਰੁੱਪ C ਅਤੇ D ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਈਲ ਪੱਤਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। जो गल करिए मुलाजमान दे वल्लों इस फैसले की निंदा की जा रही है। उन्होंने कहना है कि यह फैसला लोगों के हितों के विच नहीं है। मुलाजमान आगुओं ने कहा है कि पंजाब सरकार दे वल्लों COVID-19 की ओर दे विच मुलाजम विरोधी फैसले ले जा रहे हैं। मीडिया डेस्क दा TV NRI। जे चाहते हो कि देश दुनिया की हर वड्डी खबर सब तो पहला तुहाडे तक पहुंचे, तुहाडा TV NRI दे YouTube चैनल नूं सब्सक्राइब करो अते बैल आइकन दबाउणा बिल्कुल ना भुलना।